हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर, चैप्टर नंबर 3 है T.S.Grewal की बुक से। इसके हमने पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो पहले ही हम कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 1 एंड 2। जो भी हमसे जो इजी इजी ट्रिक्स होती हैं वो मैं बोर्ड पर नोट डाउन करूँगी। वो आप अपनी रफ नोटबुक में एक नोट्स वाला एक पार्ट बना लो, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पता लगता रहेगा कि आपको कौन से टॉपिक पर कौन सा जो है स्टेप्स फॉलो करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। अमित एंड सुमित, ये तो हमारा जो है नाम पुरानी बुक्स के, लास्ट ईयर का जो सेशन है उसके अकॉर्डिंग नाम है, बट जो आपकी न्यू सेशन की जो बुक है 2024, उसमें जो नाम दिए हुए हैं जैक एंड बर्बोस, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, कैलकुलेट सेक्रीफाइजिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब हमें देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि देखो जब हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई नया पार्टनर आया नहीं, कोई पुराना पार्टनर छोड़कर गया नहीं, तो जैक एंड बर्बोस दो पार्टनर्स हैं, इनकी आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। हमें ये पता चल गया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, जब भी आपको और ये दो एग्जिस्टिंग पार्टनर का वो दिया हो, तो आपको प्रेफरेंस क्या करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइसिंग, आप गेनिंग रेशो का भी लगा सकते हो, बट आपको प्रेफरेंस इसके देने, क्योंकि ऑल ओवर पॉइंट जो है वो इसी ही फॉर्मूले से रिलेटेड है इस चैप्टर के अंदर। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो बस जोन सा आप फॉर्मूला लगाओगे, हमने जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया, तो जिसका पॉजिटिव आंसर आएगा वो पार्टनर वही वाला वही करेगा जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसका नाम है, जैक का, और दूसरा भी लिख देते हैं। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, जैक का जो है ओल्ड रेशो, ओल्ड शेयर क्या होगा 2/3, और न्यू क्या है 1/2। ओल्ड क्या है 2/3 और न्यू क्या है 1/2। ऐसे ही बर्बोस का लगा देंगे, ओल्ड क्या है 1/3 और न्यू क्या है 1/2। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन को हम सोल्व करते हैं, देखो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि उनको ये नीचे सोल्व कैसे करते हैं। जब भी फ्रैक्शन को सोल्व किया जाता है तो नीचे वाले नंबर होते हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी आप ऊपर वाले नंबर जो दोनों होते हैं उनको आप ऐड या फिर माइनस कर सकते हो। अब 3 है और ये क्या है 2 है, इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 6 होगा। इसको अगर हम 6 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इसको 6 बनाना पड़ेगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। ऐसे ही सेम इसको भी 2 से और इसको 3 से, जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम नंबर आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नीचे 2 है तो ऊपर भी क्या होगा 2, और इधर 3 है तो इधर भी 3, सेम नंबर ऊपर और नीचे होने चाहिए। तो बस नीचे दोनों का सेम हो गया 6, इसका भी 6। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 to the 4 minus 3, और इसका आ गया 2 minus 3। इसका देखो 1/6 आया और इसका -1/6 आया, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, बट साइन किसका लगता है, बिगर नंबर का लगता है। इसमें बिगर नंबर 3 है और इसमें बिगर नंबर 4 है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका क्या आया है पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। हमने फॉर्मूला इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। जो फॉर्मूला अप्लाई किया, अगर आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो जो पार्टनर पॉजिटिव है तो वही पार्टनर आपको क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है और अपोजिट वाला गेन कर रहा है। अब ऐसी सेम आप गेनिंग रेशो का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। गेनिंग रेशो का होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो आप जिसका पॉजिटिव आता वो गेन करता और जिसका नेगेटिव आता वो सेक्रीफाइस करता है। वो डिपेंड करता है कि आपने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए। ललित, मुकुल एंड चेतन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस और गेन ऑफ द पार्टनर्स। देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो भी निकालनी है और आपको किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया और किस पार्टनर ने गेन किया वो भी हमें फाइंड आउट करना है।
अब हमें देखो सबसे पहले एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको ललित, मुकुल और चेतन तीन पार्टनर्स दिए हैं, और उसी जो उन तीन पार्टनर्स में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसी में ही एक पार्टनर का नाम चेतन का नाम बोला है कि वो फ्यूचर में 1/5 शेयर लेगा। तो हमें डेफिनेटली कि जो न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे इन तीनों पार्टनर्स की, उसमें जो चेतन का जो शेयर रहेगा वो 1/5 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी कोई रेशियो होती है, जैसे ये ओल्ड रेशियो है, अगर आप इसको जैसे इसका ओल्ड रेशियो है, ललित का ओल्ड शेयर क्या होगा 1/3, इसका भी 1/3, इस बार किसी भी रेशियो का जो सम होता है फ्रैक्शन में वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 1 के। तो जैसे ऐसे न्यू रेशियो भी हम निकालेंगे, इसको इजी वे में समझो, न्यू रेशियो जब हम ऐसे निकालेंगे जो फ्रैक्शन में होगा, जो उसका जो टोटल होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होगा, जिसमें न्यू रेशियो में जैसे न्यू शेयर हमें क्यों क्या चाहिए होता है, देखो पहले जो रेशियो बनती है ना उसके लिए पहले हमें शेयर चाहिए होते हैं। तो न्यू शेयर में हमें जो चेतन है, चेतन का न्यू शेयर हमारा फिक्स है, मतलब जो इसका शेयर होगा ये कितना होगा 1/6। अब हमें ये नहीं पता, इन दोनों की हमें नहीं पता न्यू शेयर, जैसे इनके ओल्ड रेशियो दिए हुए, तो ओल्ड शेयर हम इनसे निकाल सकते हैं 1/3 1/3 1/3 टोटल कर लो, सम कर लो और उनका शेयर निकल आता है। ऐसे ही जो न्यू शेयर होगा इसका तो हमें पता है चेतन का 1/5, और हमें ये भी पता है कि वो इन सबका जो शेयर, इसका शेयर और इसका शेयर जो भी होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो हमें क्या मानना है कि अब अगर आपको तीन दिए हैं, तीन में से अगर दो के दिए हैं तो एक निकल सकता है, बट अगर तीन में से एक का दिया है, दो का हम फाइंड आउट ऐसे नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं लेट टोटल फॉर्म न्यू शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल फॉर्म का न्यू शेयर क्या है, 1 है, जिसमें से हमें चेतन का क्या है, कन्फर्म है, चेतन न्यू शेयर 1/5। तो 1 में से 1/5 तो कन्फर्म है, तो डेफिनेटली रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा, रिमेनिंग शेयर क्या होगा, जो पूरा 1 है, 1 का मतलब इन तीनों का, इसमें से एक पार्टनर का पता है कन्फर्म, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 4/5। ये रिमेनिंग जो 4/5 है ये इन दोनों का शेयर है, क्लियर। ये जो दोनों, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये रिमेनिंग शेयर आप पुराने पार्टनर्स का ही, कुछ अगर नया शेयर दिया है तो उसी में ही मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं, तो जो रिमेनिंग शेयर होता है, जो पार्टनर, ये तो चला गया, ये तो इसका तो कन्फर्म है, तो ये जो दो बचे इस रेशो में, जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो उनकी ओल्ड रेशो होगी उन दो की, ये नहीं कि आप इसको भी इंक्लूड करोगे, जो ये 1:1 इसके अर्थ में इसको क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा ललित का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, ललित न्यू शेयर क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग शेयर है 4/5 को इसके अंदर वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मल्टीप्लाई 1/2। ऐसे ही मुकुल का 4/5 × 1/2, तो इसका आ गया 4/10 और इसका भी आ गया 4/10। ये इसका क्या हुआ, न्यू शेयर, क्लियर। अब देखो ये भी न्यू शेयर हो गया, ये भी, अब देखो हम इसमें पुट कर सकते हैं, ये मैंने क्या लिखा, न्यू शेयर, इसका न्यू शेयर क्या आया 4/10 और इसका भी क्या आया 4/10। ये शेयर होते हैं फ्रैक्शन में। अब हम इसकी न्यू रेशो फाइंड आउट करेंगे, न्यू रेशो क्या बन जाएगी इनकी, मैं यहाँ लिख रही हूँ न्यू रेशो, न्यू रेशो तीनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए देखो ये 10 है, ये 10 है, इसको 10 बनाऊंगी तो क्या कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो नीचे नंबर मल्टीप्लाई होता है वही सेम ऊपर होता है, तो क्या बन गया 4:4:4:2। ये तीनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो कट कर दो, 2 × 2 2 × 4 2 × 4, तो न्यू रेशो हमारी क्या आ गई 2:2:1। अब हमें क्या निकालना है, अब हम यहाँ पे साइड पे वो भी निकाल लेते हैं। देखो अब हमें न्यू रेशो आ गई, न्यू रेशो क्या आई 2:2:1। अब हमें बताना है कि सेक्रीफाइस और गेन, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का।
अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको पूरा फॉर्म लिखना है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. आपको पूरा लिखना है, वन बाय वन करेंगे. सबसे पहले ललित का L4, ललित, ललित का ओल्ड क्या है? 1/3. न्यू क्या है? 2/5. ऐसे ही मुकुल का कर लेते हैं, वो 1/3, 2/5. ऐसे ही चेतन का 1/3 माइनस 1/5. क्लियर. अब हम इसको फ्रैक्शन, अब देखो तीनों का इसमें हम माइनस कैसे कर सकते हैं, इनको हम सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से हमें सोल्व करना होता है, बट नीचे वाले नंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. तो नीचे का डिनोमिनेटर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम. 3 × 5 = 15, सबका 15 ले लो. अब 15 लेने के लिए आपको ऊपर वाले नंबर आप ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, नीचे वाले नंबर दोनों क्या होने चाहिए? 15 होने चाहिए. तो यहाँ पे 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15. तो आप नीचे तो सबका सेम हो गया 15, अब ऊपर जो नीचे मल्टीप्लाई हुए वही ऊपर मल्टीप्लाई होंगे. बस अब कर लो, 5 × 5 - 6, 5 - 6, 5 - 3. आप सॉल्व करो, 5 - 6 - 1/15. इसका भी क्या आया? -1/15, और इसका +2/15. हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया था? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? सेक्रीफाइस का किया. तो जिस पार्टनर का पॉजिटिव आया, इस पार्टनर का क्या आया? पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है. जिस पार्टनर का नेगेटिव आया तो वो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. इसका भी नेगेटिव आया तो ये भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. हमें यही बताना था कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस. बस आपको यही डिपेंड करता है कि आपने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया.